Hello everyone, welcome to my YouTube channel and subscribe button. So welcome back. इस session में हम सीखेंगे कि हम install.esd format file को install.vim format में कैसे convert कर सकते हैं. अगर हम कोई भी latest operating system को download करते हैं तो उस DVD के अंदर हमें available होते हैं दो main files. एक होती है install.esd और दूसरी होती है boot.vim. install.esd install.vim का compressed version है, लेकिन अगर हमें WDS यानी कि Windows Deployment Services Server के अंदर अपनी Windows को deploy करना हो तो हमें चाहिए boot.vim और install.vim file. install.vim file का ही use करके आप उसे WDS Server के अंदर deploy कर सकते हैं. डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप एक सिस्टम से अपने मल्टीपल सिस्टम्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं बिना किसी डीवीडी का यूज़ किए, बिना किसी पेन ड्राइव का यूज़ किए हुए. लेकिन अगर हम आजकल लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करें तो उसके अंदर फाइल होती है install.esd. हम उस esd फाइल को कन्वर्ट करना सीखेंगे .vim फॉर्मेट में और उसे अपलोड कर सकते हैं आप अपने WDS सर्वर के अंदर. तो पहले मैं आपको उस फाइल की लोकेशन दिखाता हूँ अपनी DVD के अंदर, देन हम उस DVD के अंदर जो भी फॉर्मेट अवेलेबल होगा वो वेरीफाई करेंगे. तो उसके लिए मैं ओपन करूँगा अपना डिस PC. अभी मेरे सिस्टम में अवेलेबल है विंडोज़ 10 की DVD. विंडोज़ 10 की DVD है आपकी 5GB की. इसको मैं ओपन करता हूँ. ओपन करने के बाद आपको DVD के अंदर जाना होगा सोर्सेज नाम की डायरेक्टरी में. तो ओपन करेंगे सोर्सेज नाम की डायरेक्टरी को. अब मैं प्रेस करूँगा आई कीवर्ड अपने कीबोर्ड से तो आपके सामने यहाँ पर फाइल आ गई install.esd. अब इसकी प्रॉपर्टी चेक करिए तो प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पर मिलेगा ESD फाइल जिसका साइज है 4.36GB का. सेकंड फाइल थी हमारी boot.vim, तो V को प्रेस करता हूँ, ये आ गया हमारा boot.vim. इस फाइल का साइज है 402MB, फॉर्मेट है .vim. अब मैं इन दोनों फाइल्स के अंदर के डाटा को पहले चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन. तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ. ड्राइव लेटर आपको पता होना चाहिए कि आपका ड्राइव लेटर है D, तो इसको कैसे करते हैं क्लोज. ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट रन एज एडमिन का. तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ CMD. तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आ गया. आप यहाँ पर राइट क्लिक करके इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर सकते हैं, या आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, या आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंटर की को प्रेस कर सकते हैं. तो मैं भी यहाँ पर क्लिक करूँगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन पर. तो आपके सामने एक कंसेंट ओपन होगा. इस कंसेंट को आपको करना होगा यस. तो मेरे सामने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया. फाइल है मेरी डी ड्राइव में अवेलेबल. तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे DISM. टैब की प्रेस करता हूँ, फिर से टैब की प्रेस की तो आ गया DISM.exe. DISM स्टैंड्स फॉर डिप्लॉयमेंट इमेज सर्विसिंग एंड मैनेजमेंट /get-vim-info/vim-file. अब आपको पाथ देना होगा. तो पाथ है मेरा डी ड्राइव के अंदर सोर्सेज नाम की डायरेक्टरी के अंदर boot.vim. एंटर प्रेस किया तो इस DVD के अंदर आपके दो इंडेक्स अवेलेबल हैं, index 1 and index 2. इंडेक्स बने आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज PE. PE स्टैंड्स फॉर प्री इंस्टॉलेशन इन्वायरमेंट, और दूसरा है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सेटअप. जब हम अपने सिस्टम में ट्रबल शूटिंग करते हैं तो शिफ्ट के साथ F10 दबाते हैं अपने बूट मोड में, तो हमारे सामने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है. कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है हमारा इस फाइल की वजह से. अगर हमारे boot.vim में ये फाइल अवेलेबल है यानी कि ये इंडेक्स अवेलेबल है तो ही आपका शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करने के बाद DOS मोड ओपन होगा. अगर ये नहीं होगा तो आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन नहीं होगा. तो ये था आपका boot.vim फाइल. अब हम चेक करते हैं
install.esd फाइल के बारे में। तो हमारी कमांड सेम रहेगी, यहाँ पर मैं लास्ट में फाइल का नेम चेंज कर दूंगा install.esd, एंटर प्रेस किया तो इसके अंदर आपके पास सिर्फ एक ही इंडेक्स अवेलेबल है, इंडेक्स 1, जो है आपका विंडोज 10 प्रोफेशनल। अब मैं इस डीवीडी के अंदर से इस फाइल को अपने सिस्टम में करूँगा कॉपी। तो ओपन करता हूँ फिर से अपने डिस पीसी को, ओपन करते हैं डीवीडी को, सोर्सेज में गया, प्रेस करेंगे आई अपने कीबोर्ड से, install.esd, इसको मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद इसे मैं अपनी ई ड्राइव में कर देता हूँ पेस्ट। फाइल कॉपी होगी, फाइल का साइज है हमारा 4.36 GB का, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ क्लोज। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट से कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, टाइप करता हूँ यहाँ पे CLS क्लियर स्क्रीन के लिए। यहाँ पर हम कमांड टाइप करेंगे dasm/export-image/source-image-file-column। फाइल मैंने पेस्ट की थी ई ड्राइव में, तो ई ड्राइव का पाथ देते हैं / फाइल का नाम था install.esd /source-index मेरा एक ही था। अगर आपके पास मल्टीपल सोर्स इंडेक्स है तो आप उस इंडेक्स का यहाँ पर नंबर प्रोवाइड करेंगे जिसे आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी इंडेक्स 1 ही लूँगा क्योंकि मेरी डीवीडी में सिर्फ एक ही वर्जन अवेलेबल है, /destination-image-file-column। ई में उसे करूँगा सेव, तो ई ड्राइव के अंदर नाम दूंगा install.vim/compress:\max/check integrity एंड। इस इमेज को कन्वर्ट होने में थोड़ा सा समय लगेगा। इस इमेज को आप अपने डीवीडी के अंदर भी install.esd फाइल की जगह install.image फाइल को रखकर सेव कर सकते हैं। तो जैसे आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन होगी वो इस फाइल का यूज़ करके आपके सेम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकता है। और अगर आप चाहें WDS सर्वर के अंदर इस फाइल को यूज़ करना तो वो भी आप कर सकते हैं। हमारा जो मेन पर्पस है वो है कि हमें आजकल की जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर जो install.esd फाइल है उसे यूज़ करना है अपने WDS सर्वर में। WDS सर्वर में आप उसे तभी यूज़ कर पाओगे जब आपके पास install.vim फॉर्मेट अवेलेबल होगा। अगर आपके पास ESD होगा तो वो यूज़ नहीं होता। इमेज कन्वर्ट हो गया आपका ESD से विम फॉर्मेट में। चेक कर लेते हैं एक बार यहाँ पे। तो इसे आप कमांड को ऐसे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं CD/\, एंटर किया। अब हम चेक करते हैं दोनों फाइल्स को, तो हम सेम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे dasm/get-vim-info
स्लैश विम फाइल, विम फाइल अवेलेबल थी हमारी ई ड्राइव के अंदर, इंस्टॉल डॉट ई एस डी, एंटर किया तो आपका रिजल्ट आ गया। सेम कमांड मैं रिपीट करता हूँ डॉट विम के लिए, एंटर किया तो दोनों केसेस में आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं ग्राफिकली अपने सिस्टम में जाके, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ क्लोज, ओपन करते हैं अपने सिस्टम को। ई ड्राइव में गया, यहाँ पर मेरे पास दोनों फाइल्स अवेलेबल हैं, इंस्टॉल डॉट ई एस डी एंड इंस्टॉल डॉट विम। दोनों का साइज चेक करता हूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट फाइल का साइज था मेरा 4.36 GB और जो विम फाइल है उसका साइज है मेरा 6.09 GB का। तो जब हम फाइल फॉर्मेट को कन्वर्ट करते हैं तो उसका कुछ साइज इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए ये जो फाइल है इंस्टॉल डॉट ई एस डी फाइल, ये इंस्टॉल डॉट विम का कंप्रेस्ड वर्जन है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ क्लोज। अब आप इस इंस्टॉल डॉट विम फाइल को अपनी डीवीडी में भी प्लेस कर सकते हैं इंस्टॉल डॉट ई एस डी की जगह, या आप इस इंस्टॉल डॉट विम फाइल को अपने डब्ल्यू डी एस सर्वर के अंदर कर सकते हैं अपलोड। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।